बॉलीवुड की शांति प्रिया यानी दीपिका पादुकोण की मच अवेटेड फिल्म फाइटर का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म फाइटर के ट्रेलर लॉन्च से गायब दिखी। अब इसके बाद कई तरह की कयासबाजियां हो रही हैं। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें जबरदस्त तरह के हवाई एक्शन सीन दिखाए गए हैं और भारत के द्वारा पाकिस्तान को धूल चटाते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म फाइटर का ट्रेलर देखने के बाद अब लोग 25 जनवरी को सिनेमा घरों में जाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। अब इसी बीच दीपिका पादुकोण के फैंस को एक चीज की कमी खली है। दरअसल फिल्म फाइटर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर दीपिका पादुकोण नहीं पहुंची थी। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए टीम को बधाई दी है। दीपिका पादुकोण के इवेंट में ना जाने पर अब तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का ट्रेलर 15 जनवरी यानी आर्मी डे पर रिलीज किया गया। फिल्म फाइटर का ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर दीपिका पादुकोण ही नहीं पहुंची थी। जी हां, मेन लीड एक्ट्रेस ही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर नहीं पहुंची है, तो इस पर फैंस की अटकलें लगाना काफी आम बात है। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, अपने स्क्वाड्रन को मिस करूंगी, गुड लक टीम। उन्होंने हैशटैग के साथ फाइटर और फाइटर ट्रेलर लिखा है। दीपिका पादुकोण ने अपने पोस्ट में बीमार होने वाली इमोजी भी पेस्ट करी है। हालांकि इस बात की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि दीपिका पादुकोण बीमार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म फाइटर की रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण की डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ अनबन हो गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि फिल्म फाइटर में कम स्पेस मिलने की वजह से दीपिका पादुकोण नाराज हो गई हैं, जिसके चलते दीपिका पादुकोण ने फिल्म फाइटर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हिस्सा नहीं लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद ही बता सकते हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें जबरदस्त तरीके के एक्शन सीन दिखाए गए हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री देखते ही बनती है, साथ में अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर की एक्टिंग देखते ही बनती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं, जबरदस्त गाने हैं, कुल मिलाकर एक एक्शन पैक्ड फिल्म सिद्धार्थ आनंद ने फिर से तैयार कर दी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या धमाल मचाती है। इस फिल्म के ट्रेलर की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म फाइटर का ट्रेलर देखने के बाद लोग 25 जनवरी को सिनेमा घरों में जाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। इसी बीच दीपिका पादुकोण के फैंस को एक चीज की कमी काफी खली थी कि वो ट्रेलर लॉन्च पर नहीं पहुंची है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद की ये जोड़ी क्या रंग दिखाती है। धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।